सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स 996 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड बहुत से कैंडिडेट्स की डिमांड्स आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। जो भी एग्ज़ाम्स आपके फ्रेंड ने ये दिया है, जिन भी फ्रेंड्स ने आपके ने ये एग्जामिनेशन दिया है, उनके साथ अगर आप चाहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। इतने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम हैंडल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए स्ट्रीट247। वहाँ पे अकाउंट्स, आईटी, जीके, हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पेपर डिस्कस करते हैं किस तरह का एग्जामिनेशन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 23। ठीक है, 23 वैकेंसी थी और जो कैंडिडेट्स एडमिट हुए थे एग्ज़ाम के लिए वो थे लगभग 3,332। तो इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया था एग्जामिनेशन के लिए। तो रफली आप मान के चल सकते हैं 2500 से 2800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आई होप कि इस एग्जामिनेशन को राइट किया होगा। ठीक है, क्योंकि एडमिटेड थे 3332 कैंडिडेट्स एडमिटेड थे। अराउंड इस रेंज में ही कैंडिडेट्स रहेंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को रियली में अटैम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो यार एग्ज़ाम तो आपको होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा ग्रेड पे है और 40,000 सैलरी आपको इन हैंड मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं 40,000 सैलरी आपको ग्रोस पे मिल रही है यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे हम कट ऑफ की, उससे पहले अगर मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया यार जल्दी से लाइक कर देना, आपका एक एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ से पहले मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पे जनरल से स्टार्ट करेंगे हम, जनरल अनरिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अनरिजर्व की 10 वैकेंसी थी। ठीक है, टोटल कितनी है 27 है, ये चीज़ ध्यान रखना, 27 में से 10 यहाँ पे जनरल की थी। तो अगर एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो एग्ज़ाम का मैंने खुद से जब एग्जामिनेशन चेक किया है, ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट्स ने फीडबैक भी दी है, तो बहुत से कैंडिडेट्स ने इवन कहा है कि सर 200 में से हमारे, मतलब कि अगर मैं डिवाइड बाय टू बाद में करता हूं, 200 में से 100 नंबर हमारे, मतलब कि इतनी मेहनत भी नहीं किया तब भी आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो अराउंड ऐसे कैंडिडेट्स मेरे को देखने को मिले जो 50 नंबर तो वैसे ही पेपर में लेके आ रहे हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी आपको हायर साइड में जाती हुई देखने को मिले, क्योंकि जब जो कैंडिडेट्स खुद कह रहे हैं कि सर हमने इतनी मेहनत नहीं की है बट फिर भी हम 50 नंबर हमारे आ रहे हैं, ठीक है, 200 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन की कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में जाती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी जो भी फाइनल कट ऑफ आएगी उसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो बना ही दूंगा, बट यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट्स का पोल वगैरह हुआ है उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस तैयार किया है। ठीक है, तो बात करते हैं जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 66 to 69 इस रेंज में रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो प्लस माइनस 2 का क्राइटेरिया बिल्कुल साथ में लेके चलें। ठीक है, ये प्लस माइनस 2 हर कट ऑफ में आपको लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब कैंडिडेट्स 50 मार्क्स लेके आ रहे हैं वो भी इतना मेहनत किए बिना, तो कट ऑफ हायर साइड में रहेगी ही रहेगी, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो जनरल ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे है 3 वैकेंसी। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकता है इनका वो जा सकता है 62 to 65 प्लस माइनस 2, यहाँ पे भी आप लेके चल सकते हैं, वैकेंसीज कम है। ठीक है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी सी हायर साइड में जाती हुई देखने को मिल सकती है। बहुत से जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट ऐसे थे जो ऑलरेडी जनरल ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो चुके हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं आपने ये ऑलरेडी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की होंगी। थर्ड बात करते हैं एससी अनरिजर्व की। ठीक है, एससी अनरिजर्व की यहाँ पे 4 वैकेंसीज थी। ठीक है, और अगर एससी अनरिजर्व की मैं बात करूँ तो कट ऑफ यहाँ पे ये रह सकती है आपकी 59 to 62 के बीच में, आप चाहें यहाँ पे इजीली प्लस माइनस 2 लेके चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एससी बीपीएल। ठीक है, एससी बीपीएल फोर्थ कट ऑफ, फोर्थ कैटेगरी है एससी बीपीएल, तो यहाँ पे एक ही वैकेंसी है इसकी। ठीक है, इसके बाद अगर कट ऑफ की बात करूँ तो इनकी कट ऑफ भी एक ही वैकेंसी है यार, 58 to 61 प्लस माइनस 2 यहाँ पे एस सी बी पी एल की कट ऑफ भी रह सकती है। ठीक है, अभी बात करते हैं एस टी अनरिजर्व, तो यार एस टी अनरिजर्व की भी एक ही वैकेंसी है। ठीक है, एस टी अनरिजर्व की एक ही वैकेंसी है, तो इनकी भी कट ऑफ आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो कट ऑफ भी 55 to 59 के बीच में देखने को मिल सकती है, प्लस माइनस 2 यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। ओबीसी अनरिजर्व की बात करूं तो ओबीसी अनरिजर्व की वैकेंसी तो आपको पता अच्छी खासी हैं, 4 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बाकी कैटेगरी की कंपैरिजन में देखूं तो अच्छी वैकेंसी है, लाइक
एस सी अनरिजर्व में भी 4 ही वैकेंसी थी, ओ बी सी अनरिजर्व में 4 ही थी बस, बट एस टी यू आर में, एस सी बी पी एल में यहाँ पे एक एक वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, तो एस ओ बी सी अनरिजर्व की बात करूँ तो ओ बी सी अनरिजर्व की कट ऑफ 63 से 65 प्लस माइनस 2 इस रेंज में रह सकती है। ऑलरेडी हमने लास्ट एग्जामिनेशन में भी देखा है कि यार ओ बी सी कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी हायर जाने लग गई है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी एग्जामिनेशन में चेक कर सके चुके हैं। इसके बाद आपको पता होगा यहाँ पे बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वगैरह की कोई वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पे टोटल ही वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें से टोटल 27 वैकेंसी में से बात करूँ तो ऑलरेडी बता चुका हूँ जनरल की 10 वैकेंसी थी। ठीक है, ई डब्ल्यू एस की 3 थी, इसके अलावा एस सी अनरिजर्व की 4 थी, ओ बी सी अनरिजर्व की 4 थी और एक एक वैकेंसी बी पी एल, एस सी बी पी एल और एस टी अनरिजर्व की थी। तो इस तरह से ये 10, 3, 17, 4, 21, 25 और 1, 2, 27 वैकेंसी पूरी हो चुकी हैं और जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता देना। अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम चैनल पर भी कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद।